नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं वैक्सीन के बारे में। जी हां साथियों, क्योंकि विदेश जाने वाले आप लोग वीडियो देखते हो, वैक्सीन का सबसे बड़ा रोल है। जी हां, और आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है कि सरकारें या फिर अलग अलग कंट्रीज या फिर कोई अभी नियम बन सकते हैं कि कोरोना का टीका आपके पास लगा होगा और उसकी पासपोर्ट में मोहर लगी होगी, तभी हम आपको एंट्री देंगे अपने देश में। जी हाँ, इसको बोलते हैं वैक्सीन पासपोर्ट। हालांकि इस पे रिसर्च चल रहा है, अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है तो लोगों को जरूर बताएंगे। लेकिन आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, क्योंकि आज पिछले अगर सैटरडे की बात करें तो ओमान में इंडियन मेड वैक्सीन 1,00,000, जी हां साथियों, डोज ओमान में पहुंचे हैं। वहां के अपनी जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने रीट्वीट भी किया था, अपने जो विदेश मंत्री हैं, बता दूं जयशंकर का जो ट्वीट आया था कि भाई 1,00,000 डोज हमने ओमान में पहुंचाई है, तो उनको रीट्वीट करते हुए उन्होंने बताया। जी हां, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे इंडिया ने कौन कौन से देशों में वैक्सीन पहुंचाई है और आगे उनका क्या प्लान है, इसका कितना मतलब इफेक्ट पड़ता है इंडियन लोगों का, मान लीजिए आप लोगों का, हम लोगों का, या फिर हमारे देश का, उन लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। इस मुश्किल घड़ी में इंडियन सरकार, इंडिया उनके लिए हेल्प कर रहा है। जी हाँ, बाकी बड़े बड़े देश जो आपको पता है, सबसे पहले जब कोरोना आया तो चाइना ने वैक्सीन बना ली, फलाने ने बना ली, कहां पाई पता ही नहीं लगा कि चाइना की वैक्सीन कहां गई कहां नहीं गई, उसने अभी तक अपने मित्र देश को भी अभी तक नहीं पहुंचाई है, सच्चाई है। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं साथियों। इंडिया में आपको पता है वैक्सीन बन चुकी है, बहुत सारे इंडिया में लगती जा रही है और काफी सारे लोगों को लग भी चुकी है। जी हाँ, और इंडिया की तरफ से अपने मित्र देशों को, जो उनके निजी मान लो, खास मान लो, उनको ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जा रही है। लेकिन ये मत सोचना आप, इसमें एक पॉइंट आ सकता है कि उनकी रिक्वेस्ट आई थी देश इंडिया के पास कि भाई हमें भी वैक्सीन दी जाए, क्योंकि इंडिया में वैक्सीन दो वैक्सीन बन चुकी थी। जी हाँ, तो उस रिक्वेस्ट के आधार पे इंडिया ने अब तक बता दूं 50,00,000 डोज, जी हां साथियों, 50,00,000 से अधिक डोज अलग अलग देशों में पहुंचाने का काम किया है और आगे भी उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी बात करें तो ओमान को सैटरडे के दिन 1,00,000+ डोज वहां पे पहुंचाई गई है। जी हां, और बात करें कि जनवरी 2020 तक का ये 55,00,000 से ऊपर की डोज बताया गया कि वे पहुंचाती हैं अलग अलग देशों में। लेकिन अब बता दूं अगर भूटान की बात करें, जी हां, तो भूटान को 1,50,000 डोज पहुंचाए गए हैं। जी हां, मालदीव को 1,00,000 डोज पहुंचाए गए, मॉरिशस को 1,00,000 डोज पहुंचाए गए हैं। जी हां, बहरीन को 1,00,000 डोज पहुंचाए गए, नेपाल को 10,00,000 डोज दिए गए इंडिया की तरफ से, बांग्लादेश को 20,00,000 डोज वैक्सीन के दिए गए हैं इंडिया की तरफ से, म्यांमार को बता दूं 1,50,000 डोज दिए गए हैं इंडिया की तरफ से। जी हाँ, सेशल्स एक कंट्री है अफ्रीका साइड में, उसको 50,000 डोज दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, श्रीलंका को 5,00,000 वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। जी हाँ, इन देशों को बता दूं ये डोज दिए गए। आगे आने वाले बता दूं, केरिकोम एक देशों का समूह है अफ्रीका के साइड में, 15 देशों का समूह है, वहां पर भी टारगेट है कि भी 2,00,000 से ज्यादा इंडिया जो मेड वैक्सीन है वहां पे सरकार उनको देगी, क्योंकि वो गरीब कंट्री है इसलिए देना पड़ता है। उसमें बता दूं अफ्रीका में इंडिया का मकसद है, बता दूं अफ्रीका के जो 15 देश है ना, वहां पे कम से कम बता दूं 1,00,000 से ऊपर का टारगेट है इन देशों में वैक्सीन पहुंचाने का। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको 10,00,000 डोज देने का अभी सरकार की तरफ से, इंडियन सरकार की तरफ से टारगेट रखा गया है कि उनको जल्दी फरवरी में देने की शुरुआत कर दी जाएगी। तो और उसके अलावा की बात करें कि इंडिया सरकार ने बिजनेस से रिलेटेड, यानी पैसा लेके जिनके साथ बिजनेस शुरू किया है उनके पास सऊदी, दक्षिणी अफ्रीका, मंगोलिया, कनाडा वगैरह ऐसी जो कंट्रियां हैं वहां पे बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पे अभी शुरू करने जा रही है। तो इंडियन वैक्सीन का काफी सारी कंट्रीज से मांग भी है कि भाई हमें दो, बाकी अपने पड़ोसी देश से उसको छोड़ के बाकी सब कंट्रियों में सप्लाई हो रहा है, अपने एशियन कंट्री में जितने भी हैं सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। अगर पाकिस्तान मांग लेता है इंडिया से तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतना छोटा दिल रखेगा और पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं देगा, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बस ये आप लोगों के साथ बात शेयर करनी थी साथियों कि इंडिया की बनी वैक्सीन और आप लोग जहां जहां रहते हैं वहां पे इंडिया की बनी वैक्सीन वहां पे लग रही है, तो ये आपके लिए फखर की बात होनी चाहिए। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।